अगर हम दुखी मन से खाना खिलाएंगे तो वो नहीं है, अगर अच्छे तरीके से खिलाएंगे तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। चलो उनके नाम के कस्टमर चल रहे हैं जी। तो चलो उनका आशीर्वाद चल रहा है जी। तो चलो भगवान की आशीर्वाद भी है कि चलो उनका नाम भी चलता रहे और उनकी कार्ड भी चलती रहे। जो भी आ रहा है टेस्ट के लिए आ रहा है, तो इसलिए घर में तो उनके झगड़ा होगा ही, अगर टेस्ट भी नहीं होगा तो क्यों आएगा। अच्छा, इसीलिए झगड़ा होता है क्या? हाँ, बढ़िया खाना खिलाता है, बढ़िया खिलाता है और तसल्ली हो जाती है। क्या बात है, क्या क्या मिलता है आपके पास? हमारे पास डीप कुल्चा होता है, राजमा बाला, ये हो गया कुल्चा बंद जिसको बोलते हैं, और ये हो गए चने जी, ये सूखे चने हैं जी, ये तरी वाले हैं, ठीक है, सूखे होते हैं फिर तरी डाल के उसमें रस करते हैं, डिप करते हैं। ये 60-70 साल से किसने स्टार्ट की थी? मेरे नाना जी ने, श्री चरण दास जी ने। बाकी ये राजमा होते हैं जी, ये राजमा और डिप कुलचा होता है जी। ये पनीर के पीसेस है जी, ये पनीर के पीसेस है। हाँ जी, इतने बड़े बड़े पीसेस। हाँ, क्योंकि ये राजमा के ऊपर भी और कुलचे के ऊपर। हाँ, कस्टमर की मर्जी है, अगर पनीर खाना चाहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या बात है जी। एक बात और बताओ भैया, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। थैंक यू, और मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप इतने दूर से आए हो और आपके माध्यम से कस्टमर जो हमारा एक अड्डा है नई बस्ती, उनको भी पता चले जाए कि हमने इधर शिफ्ट कर लिया। उनको भी पता चले कि घरों में आखिर लड़ाइयां हो क्यों रही है, है ना? स्वाद ही ऐसा कि भाई, क्या बात है जी। और आपको कितना टाइम हो गया इस कार्ड पे? इधर हो गए 2010 में एक्सपायर हो गए थे वो, तो उसके बाद फिर मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा, आप अकेले ही संभालते हो? हाँ। चरणदास का नाम सर्च भी करो तो पहले आता है। हाँ। नाम भी तो पहले ही आता क्योंकि है, क्योंकि उनका नाम हमने आगे बढ़ाना है। अपने नाम का नहीं सोचा? नहीं, चलो उनके नाम के कस्टमर चल रहे हैं जी। तो चलो उनका आशीर्वाद चल रहा है जी। तो चलो भगवान की आशीर्वाद भी है कि चलो उनका नाम भी चलता रहे और उनकी कार्ड भी चलती रहे। क्या बात है जी, और आपका काम भी चलता जाएगा। और यही होता है भाई कि आप बड़ों की रेस्पेक्ट करो, आपका काम बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि 50-60 साल से 70 साल से कस्टमर आ रहे हैं जी, तो वो चलो का प्यार है जी। अभी तक कार चल रही है। और कितने बजे आ जाते हो सुबह आप? सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक। क्या बात है, आपको पहले किसी ने बोला नहीं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है? नहीं, कहते हैं मरे, देखो अगर हम दुखी मन से खाना खिलाएंगे तो जी वो नहीं है, अगर अच्छे तरीके से खिलाएंगे तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। क्या बात है जी, सच्ची में आपकी स्माइल सीधी नहीं, नहीं। बहुत प्यारी। बना के दिखाओ एक राजमा की प्लेट हमें जरा। चावल खाओगे या कुलचा खाओगे? जो बढ़िया वही खिला दो आप हमें। कम्बो कर लो, चावल भी आ जाएंगे, कुलचा भी आ जाएगा, पनीर का भी। कर लो कम्बो, कर लो भाई, चेक करो कम्बो की प्लेट बनने वाली। और कितनी रुपीज की प्लेट रहती है भैया? ये कम्बो है 90 रुपीज की, और अगर सिंपल लेना है पनीर डाल के तो 80 रुपीज। ये आ चुका है जी कुलचा, डिप कुलचा, ये डिप करके रखता हूँ पहले ही से, डिप करके। क्या बात है जी, कुलचा आ गया और यहाँ रखे हुए हैं जी ये पनीर का पीस। ओहो, इसका वेट भी बड़ा होगा इस पनीर के पीस का, है ना? चलो जहाँ हाथ चल जाए, फ्राई करके डालते हैं ना। ये है जी आगे राजमा जी, ये आगे चने, मतलब 3-4 चीजों का स्वाद आपको एक प्लेट में मिल जाएगा। ये आ गया मसाला, ये प्याज अदरक लहसुन का, ये आगे अनारदाने की चटनी। अच्छा, अनारदाने की चटनी, और ऊपर से आगे प्याज। ये चेक करो भाई, और हमारा कॉम्बो रेडी। हाँ, कॉम्बो रेडी। क्या बात है भाई, चेक करो। और ये आ चुका जी कॉम्बो, ये 90 रुपीज का रहने वाला। और खाने के लिए कहाँ पे आने पड़ेगा? ये आना पड़ेगा नियर चर्च लास्ट मोड रेडी जोन। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया भैया। थैंक यू, मैं आपका एक प्यारी सी स्माइल के साथ दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम निकाल के आए। थैंक यू भैया। Thank you.